इंटरेस्ट अभी मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हाइट सिलेक्शन कर देता हूं। अब मेरे को बेस बनाना है, तो आपको यहां से बॉक्स लेना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर आपको स्नैप मोड ऑन रखना पड़ेगा। यहां से आपको यहां तक लूंगा मैं, हाइट अभी रैंडम दे रहा हूं, बाद में इसकी हाइट जो लगी वो माइनस में देनी पड़ेगी, -6। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको देखते जाना है कितनी ये हाइट है इसकी, ये वाली हाइट काउंट होगी। आप DI से यहाँ पे मेजरमेंट भी ले सकते हो, समथिंग 1 फीट की नहीं, 1 फीट 6 इंच की है। ठीक है, और ये यहां से यहां तो जिसके से उसे 4 फीट है, तो ये 6 इंच मैंने ऊपर भी ले सकता हूँ, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसके बाद ये लेने के बाद, अब इसके बाद ये कितना दे रखा, देखो यहां से यहां तक 2 फीट है, उसके बाद ये 2 फीट 6 इंच है, तो ये तो मैंने कितना 6 इंच है, तो मैं यहाँ पर जब 3 फीट का सीधा ही ले लूंगा ऊपर। अब इसी को भी सेलेक्ट करके हाइट सिलेक्शन, यहाँ पर आप जाएंगे शेप, शेप के अंदर लाइन, लाइन के अंदर आपको कॉर्नर टू कॉर्नर रखना है। तो क्लोज SP लाइन यहाँ हो गया, उनको यहाँ करना था, दो लाइन है, यहाँ पर भी लाइन है। इसको सेलेक्ट करके आप हाइट सिलेक्शन कर दो, ये जो लाइन है ना, ये वाला वर्टेक्स आपको वहां ले जाना पड़ेगा। तो आप टॉप व्यू में जाके 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो वर्टेक्स है W प्रेस कर दीजिए आप, बट ये अभी जो पूरा क्या हो रखा, अलग हो रखा, ये सिंगल हो गया, तो यहां मैं वर्टेक्स इसको नहीं लेकर के इसको डिलीट कर दूंगा, यहां से डिलीट। अब वापस यहां से लाइन ले लीजिए आप, अब ये देखो असल तीनों लाइन अलग अलग है ना, तो आपको यहां पर जाएंगे अटैच, वापस बाहर आ जाइए यहां से अटैच से, और 1 प्रेस ऑलरेडी आपने कर रखा है, तो ये वर्टेक्स सेलेक्ट करो और यहाँ पर नीचे जाकर आपको करना पड़ेगा फ्यूज एंड वेल्ड। अभी आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिंगल है, अब प्रेस्पेक्टिव व्यू में जाइए आप, मॉडिफाई लिस्ट में मॉडिफाई लगा देंगे एक्सट्रूड। अटैच अलग है, ग्रुप अलग है, ग्रुप से तो ऑब्जेक्ट ग्रुप होगा, अटैच से ना वो ऑब्जेक्ट एक मर्ज सिंगल में, जैसे यूनियन करता है चीजें। एक्सट्रूड अमाउंट मैं आपको दे देता हूँ 3 फीट 6 इंच, बट अभी देखो ये सरफेस दिख रहा मेरे को, कहीं से अभी लाइन वेल्ड नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर भी वो दो मैंने पॉइंट लिए थे, ये वाला पॉइंट भी सिलेक्ट करके आपको फ्यूज एंड वेल्ड करना पड़ेगा। अब हो गया, क्योंकि यहां से लाइन लेके गए थे ना, तो यहाँ वाला वर्टेक्स हमने ज्वाइन नहीं करेगा, वेल्ड हो गया। अब ये वाला हाइट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, अब मैं इसको अनहाइड ऑल कर देता हूँ, ये सेलेक्ट करके आप इसको हाइट सिलेक्शन कर दीजिए और फ्रंट व्यू में जाइए, जेड प्रेस कर देंगे, F3 दबा सकते हो आप, कंट्रोल दबा करके इसको और इसको सेलेक्ट किया, आपको यहां पर
इधर जाएंगे, यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट मिलेंगे नीचे 40 मिनट, फिर यहां से कोऑर्डिनेट 0 करके वाई एक्सिस से मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा, इसको ऊपर लेना मेरे को 3 फीट 6 इंच। प्रस्ट्रक्टिव व्यू में वापस चले जाइए आप, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये भी आ गया। इसके बाद आपको हमको क्या करना है, ये वाली बोल्ट बनानी है तो वो भी बना सकता हूँ। यहां पर हमने इसको एक्सट्रूड करा था ना, ये वाला, इसमें मेरे को यहाँ पर कर्व चाहिए। ऑल्ट क्यू कर दूंगा, आइसोलेट टॉप व्यू, यहाँ एक आर्क था तो अनहाइड ऑल करके वो प्लान लाना पड़ेगा मेरे को, ये और ये प्लान मेरे को चाहिए, बाकी वाले को ऑल्ट क्यू कर दीजिए। इसके ऊपर एक्सट्रूड अमाउंट अभी छुपा रहा, लाइन के ऊपर गया। यहां पर आपको यहां से आर्क लेना है, स्नैप मेरा ऑन है, अब इसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जा करके आपको यहां पर जाना पड़ेगा अटैच, और अटैच करने के बाद आपको लेना पड़ेगा, यहां पर प्रेस करना पड़ेगा टू, सेलेक्ट ये वाला करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। फिर आपको वर्टेक्स लेने हैं, ये वाले वर्टेक्स सेलेक्टेड करूंगा और फ्यूज एंड वेल्ड करूंगा। अब वर्टेक्स से बाहर आ जाइए, एक्सट्रूड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, आप वापस शो कर दीजिए इसको, प्रीप्रेस पर्सपेक्टिव व्यू अनहाइड ऑल, वापस पीछे कर्व हो जाएगा। ओके, अब सिर्फ इस प्लान को सिलेक्ट करके ऑल्ट क्यू आइसोलेट, सारा मेथड लाइन कमांड से होगा हमारा। इसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई, इस वाले को डिलीट, वन प्रेस कर रखा है, वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, फ्यूजन वेल्ड कर दिया, मॉडिफाई में एक्सट्रूड मॉडिफाई लगा दीजिए, अमाउंट वही रहेगा जो उसका रख रखा है, 2 फीट 6, सॉरी 3 फीट 6। अब इसको तो हाइट सिलेक्शन करता हूं और राइट क्लिक करके वापस अनहाइट बाई नेम करूंगा, मेरे को कौन सी चीज चाहिए ग्रुप कर रखा है उसको अनहाइट करना। अनहाइड ऑल ही करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके अब कर देता ऑल। अब इसके बाद मेरे को यहाँ तो बॉक्स बना दीजिए आप, सीधे बॉक्स बन जाएगा।
इसकी हाइट उससे 6 इंच कम होगी। हाइट सिलेक्शन, वापस लाइन, यस। इसके बाद मॉडिफाई, सॉरी पहले आर्ट्स ले लेते हैं, फिर मॉडिफाई कर लेते। ठीक है, फिर नहीं तो आप यहां से यहां तक भी एक आर्ट बना सकते हो, यहां से यहां। सेलेक्ट हाइड सेलेक्शन, डब्लू प्रेस, ये वाला डिलीट कर देंगे, वो मेरे को सच चाहिए इसलिए करा था। अब इसको मॉडिफाई अटैच कर देंगे, इसको इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर देंगे। वन प्रेस, सॉरी टू प्रेस करेंगे, डिलीट डिलीट, वन प्रेस करा हुआ ये सेलेक्ट कर लो, वर्टेक्स को यहां पर जाना है, फ्यूज वेल, फ्यूज वेल, मॉडिफाई EXT एक्सट्रूड, सेम हाइट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राइट क्लिक, अनहाइड ऑल, ये चीज हो गई हमारी। अब यहां पर स्टेप्स क्रिएट करना है। अगर आप चाहो तो इसकी हाइट थोड़ी चेंज कम कर दीजिए, तो चेंज कम करेंगे तो 3 फीट कर दें, इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी फिर इसकी, इससे कम करनी पड़ेगी, 2 फीट चेंज, 2 फीट चेंज करनी पड़ेगी। ये है ना, इससे भी कम करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने वो उसकी वेट चेंज कर दी। इसकी अमाउंट मैंने करा था 3 फीट, इसका मैंने एक्चुअल अमाउंट कर दिया था, इसके बराबर ही करना है 3 फीट। इसका अमाउंट करना है मेरे को 2 फीट 6 इंच। ये बॉक्स है तो बॉक्स में हाइट चेंज करनी है 2 फीट। ठीक है, इसको आप कन्नड़ एडिट कोली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेप्स ऑल करूंगा, ऑटोमेटिक कन्नड़ एडिट कोली हो जाएगा, ये एडिट मैच हुआ है, आप इसको एडिट कोली में कर दो। फिर आपको अटैच और इस ऑब्जेक्ट को इससे अटैच करना है, बट ये इससे 6 इंच नीचे रहेगा क्योंकि यहां पर स्टेप्स आएंगे, सीढ़ी आएगी, तो पहले इसको हम अटैच अभी नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं ले रहा हूं इसका अमाउंट कर रहा हूं 30 इंच। अब यहां पर भी आपको आर्च बनेगा, पहले इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट क्यू कर दीजिए, पहले जो लाइन बन रही है उन लाइन को क्रिएट कर दो,
अब आपको यहाँ पे आर्ट्स भी बनाना है। देखो पॉइंट सही लेने हैं ना, बिना पॉइंट ये ही पॉइंट गलत हो गया ना तो आपका मामला डिसमिस हो सकता है। देखो मैं साउथ इंडियन पापा एंड आदमी लोगों का प्राणी के लिए मैं कलेक्टिव प्रोग्राम आइसक्रीम में इनको भी आपको वेल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी आपको अटैचेबल कर देते हैं। देखो आपको अब इसके ऊपर एक्सट्रूड मॉडिफाई लगा दो। इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 2 फीट। 2 फुट अनहाइट होल करेंगे अब आपको 2 फीट के बाद ये कितना रह जाएगा इससे कम। देखो यहां पर आप सिलेंडर ले लो सीधा ही। देखो हाइट इसके बराबर यहां तो ले लो। मॉडिफाई में जाओ इसमें तो इसकी साइड बढ़ाओ ना इसमें स्मूथनेस आएगी। ज्यादा भी नहीं रखनी जितना आपको चाहिए उतना ही चाहिए मेरे मान लो इतने रखना। और इसमें मैं स्लाइस करूंगा इसको नहीं उसको भी माइनस मत कर। ये हो गया आपका ओके इसको इससे अटैच कर दीजिए। ठीक है इन दोनों को आप अटैच कर सकते हो। इस चीज को आप ऊपर एक्सट्रूड भी कर सकते हो। एक एक पंप को और लगा लूं तो बाबा ये ज्यादा लग जाएगी ये बहुत ज्यादा लग जाएगा। लाइन और इसे लेना ना नाम है जिसमें सब होगा ये क्या होता है अंदर सब सब पर एक सब बुरा इस पर यहां से आपको आर्च लेना है। इसको सिलेक्ट करें मॉडिफाई में जाइए आप। अटैच करता है ऑल्ट क्यू डिलीट इसको वैसे ही हम डिलीट करेंगे। 1 प्रेस कर देते हैं या 2 प्रेस करेंगे डिलीट। वन प्रेस फ्यूजन वेल्ड दोनों नहीं कर एक साथ दोनों दोनों एक हो जाएंगे चिपक जाएंगे बाद में। एक हो जाएंगे ओपन साइंस भी मतलब दोनों का होगा 18 का एक स्टेप और एड करना पड़ेगा 2 करने पड़ेंगे अभी तब जाकर लेवल पे आएगा। मार्च रहा है।
सॉरी आप हाइट चेंज कर देंगे, बाकी कुछ नहीं। पूजन इस तरीके से करना है, इसके बाद आपको इधर वॉल क्रिएट करनी है, ये आपको करके ला, और यहाँ पर स्टेप ये तो बन जाएंगे नॉर्मल बॉक्स वाले स्टेप है, नहीं तो आपको ही बनाना। नेक्स्ट क्लास में आपको राउंड पिलर लगाना बता दूंगा यहाँ का। तो